गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कसिंग बीएससी पार्ट सेकंड क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट सेकंड। इन यूनिट सेकंड वी आल्सो डिस्कस पार्टिकल ड्यूअलिटी, देन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, देयर मोमेंटम पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, सम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, then we find at the same time don't get energy and time, position and momentum, and also angular momentum and angular displacement. then कुछ example देखे हमने uncertainty principles के, जिसके according हमने देखा कि जो है electron है वो नाभिक के अंदर उनका अस्तित्व नहीं है इस प्रकार से। नेक्स्ट था उसकी सिंगल स्लिट या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल। तो हमने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देखा, उसमें यह था कि पार्टिकल अगर बहुत छोटा, यानी जिसकी रेंज है वो लगभग एक फर्मी की या एक एंगस्ट्रम कोटि की है, वही मैटर जो है पार्टिकल और तरंग जो है दोनों का या ड्यूअलिटी नेचर या द्वैत प्रकृति रखते हैं। यहाँ हमने देखा कुछ लाइट के बारे में जो पब्लिश हुए डेटा, उसके अकॉर्डिंग लाइट वाज कंपोज ऑफ पार्टिकल और वेव्स, ए वेव पार्टिकल ड्यूल नेचर सून वाज फाउंड टू बी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड क्वांटम पार्टिकल्स, कम्स द कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, इलेक्ट्रॉन अंडरगो डिफ्रैक्शन एंड इंटरप्रेस विथ ईच अदर एज वेव्स, बट दे आल्सो एक्ट एज ए पॉइंट मासेज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, देन इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर्स फाइंड वी फर्स्ट इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, देन शो वी इलेक्ट्रॉन नेचर लाइक ए वेव, बट ही क्वांटम इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन वी कंसिडर द इलेक्ट्रॉन इज एंड पॉइंट चार्ज इज देन पार्टिकल नेचर। दीज हाइपोथिसिस एंड दीज प्रपोज्ड इन द डी ब्रोगली इन वी वेव लाइक एंड कॉर्पुलर लाइक बिहेवियर, मैटर मस्ट सो वेव लाइक बिहेवियर आल्सो एग्रीड दैट्स ऑन रिलेशन, देयर इज द नेचर ऑफ पार्टिकल, देन पार्टिकल एंड वेव दिस पैटर्न आज शोविंग इन एक्सरे डिफ्रैक्शन, इज द एविडेंस ऑफ वेव लाइक बिहेवियर इज शोवन थ्रू द सिंगल एंड डबल स्लिट इंटरफ्रेंस एक्सपेरिमेंट बाई द इलेक्ट्रॉन। हेयर वी फाइंड द टू स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन मॉडर्न फिजिक्स द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज ए डेमोस्ट्रेशन दैट लाइक एंड मैटर कैन डिस्प्ले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ क्लासिकली डिफाइंड वेव्स एंड पार्टिकल, मोर एवर इट डिस्प्लेड द फंडामेंटली प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स फिनोमिना, द इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स इलेक्ट्रॉन बीम एंड इंटेंसिटी इज लो, एट ए टाइम ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन डिटेक्टर, द क्वांटम नेचर ऑफ फिनोमिना बिकम क्लियर by detecting the electron where it strike on screen. According to classical point of view, an observer exert electron will pass through the slits straight away and produce pattern as shown. Then one point is showing in the point and other pattern, expected pattern is showing in lower picture, but the pattern observed on screen is different from expected one. The electron that passes through slit like वेव्स एंड इंटरफ्रेंस विथ इट्स सेल्फ एंड प्रोड्यूस द ऑब्जर्व रिजल्ट। हेयर इज द सिचुएशन वेयर क्लासिकल फिजिक्स फेल्स एंड इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स टेक प्लेस विच प्रोवाइड द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ मैटर, द एक्ट ऑफ डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन विच वे इट पासिस फ्रॉम आइदर स्लिट मे द बिहेवियर बैक टू पार्टिकल लाइक, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाई फोटोन्स गिवन द सेम रिजल्ट। हेयर इज द सम पार्टिकल पैटर्न्स, देन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इन डबल स्लिटर फोटो इलेक्ट्रिक फोटोन डिटेक्टर, देन शोइंग इट दिस, देन वेव पैटर्न इज फोटोन लेजर इज शोइंग दिस, देन वेव फंक्शन इन द इंटरफ्रेंस ऑप्टन इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डिस्क्राइब्ड बाई द वेव फंक्शन, डिस्क्राइब्ड वेव फंक्शंस, then psi rt, r means position and time dependent wave function which depends on the position and contains all the information that is known about the system and determinants, then psi rt
टाइम इवोल्यूशन ऑफ एंड हैंस ऑफ द फाइंडिंग पार्टिकल इन ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट देन इज द साई स्क्वायर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. द वेव फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस इनफाइनाइट एवरीवेयर द डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एवरी टाइम. कुछ वेव फंक्शंस की प्रॉपर्टी है जिसको वेव फंक्शन वो पोजिशन और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा. साई स्क्वायर साई डॉट साई स्टार जिसका कॉन्जुग्यूट जो उस पार्टिकल को इस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी को शो करेगा. और ये वेव फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, एकल मान होना चाहिए, कंटिन्यूस्ड होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो है कहीं पर भी फाइनाइट या ज्ञात कर सकते हो. देन डिटर्मिनेशन ऑफ वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस एवरीवेयर. हेयर इज द वी सोविंग सपोज वेव फंक्शन एज ए क्वांटिटी वेव लेसन मैक मैटर वेव विच इज रिप्रेजेंट बाई साई साई स्क्वायर साई मैग्नीट्यूड स्क्वायर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनाइट ए बॉडी. देन लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन बी स्टेबलाइज्ड फ्रॉम दिस. देन जनरल इक्वेशन साई इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के माइनस के टी माइनस ओमेगा टी. हेयर ऑल्सो के इज इक्वल टू पी बाई एच क्रॉस एंड ओमेगा इज इक्वल टू एफ बाई एच क्रॉस. देन साई इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा एच क्रॉस पी के माइनस ई टी. एज अर्लियर डिफाइंड साई स्क्वायर इज ए प्रोबेबिलिटी डिफाइंड ऑफ फाइंडिंग बॉडी एंड यूनिट वॉल्यूम. देन पी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डेल्टा देन साई साई स्टार डी टी इन थ्री डी फॉर्म. देन पी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई मैग्नीट्यूड स्क्वायर डी एक्स अदर साई डॉट साई स्टार डी एक्स इन वन डी फॉर्म वन डायमेंशनल फॉर्म एंड देयर इज द थ्री डायमेंशनल फॉर्म वेयर पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी बॉडी इज यूनिट वॉल्यूम. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन इंटरवेल ए एंड बी इज गिवन. देन प्रोबेबिलिटी एक्स एग्जिस्ट टू द ए एंड बी टी इज इक्वल टू ए टू बी साई एक्स टी होल स्क्वायर डी एक्स. देन फिजिकल इंटरफ्रेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज वेव फंक्शन एंड इच शुड बी नॉर्मलाइज्ड इज एन एसेंशियल प्रॉपर्टी. नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फॉर वेव फंक्शन इन्फाइनेट माइनस इन्फाइनेट टू प्लस इन्फाइनेट साई एक्स टी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देन माइनस इन्फाइनेट टू प्लस इन्फाइनेट साई ई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन विच सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल सम पोजिशंस एट सेम टाइम सम टाइम इन एंटायर स्पेस. देन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वी सोविंग हेयर ए वेव फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनफिल्ड. देन एक्स वन टू एक्स स्क्वायर साइज डॉट साइज स्टार डी एक्स इज इक्वल टू वन विच सजेस्ट द एग्जिस्ट ऑफ पार्टिकल विच विद इन इंक्लूडेड एक्स एंड वाई. देन जनरल केस वी कैन ऑल्सो फाइंड द फॉलोइंग कंडीशन माइनस इन्फाइनेट टू प्लस इन्फाइनेट साई स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू वन अदर माइनस इन्फाइनेट टू प्लस इन्फाइनेट साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन देयर डी ई वी इज इक्वल टू थ्री डायमेंशनल एंड वन इज इक्वल टू रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल. टू मेक एनी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज वी मल्टीप्लाई द फंक्शन विथ ए नॉर्मलाइजेशन विच इज फोकस. देन साई नॉर्मलाइज इज इक्वल टू साई अपॉन रूट साई डॉट साई स्टार डी एक्स वेयर साई कंसिडर देन वन अपॉन रूट साई वर्ट साई डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए. दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस. नेक्स्ट वी डिस्कस श्रोडिंगर इक्वेशंस. हेयर इज द सम वेव फंक्शन प्रॉपर्टी आल्सो शोइंग इन द नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज. देयर इज द सम वैल्यू ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज द इन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन देयर इज द साई एंड साई स्टार डी एक्स इन वन डायमेंशनल इज वन एंड इन द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी देन वी फाइंड माइनस इनफाइनेट टू प्लस इनफाइनेट साई डॉट साई स्टार डी वी इज इक्वल टू जीरो अदर माइनस इनफाइनेट टू प्लस इनफाइनेट साई डॉट साई स्टार डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द वन डायमेंशनल एंड डी वी इन थ्री डायमेंशनल. दिस सोविंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल.
In the discussion, next, this is the wave function property. There is the position r, r is equal to xi plus yi, and there is the showing in the r, also showing the position of particle in three dimensional. Otherwise, in one dimensional, then wave function rewrite the psi xt, and two dimensional, then psi rt, r is equal to xi plus y. In three dimensional, then we position defined here the wave function of psi rt. Here r is the position vector, these are the x I k y j k plus k k cap. Here the magnitude of psi, their square, it means psi magnitude square, it means psi dot psi star, their psi function is this, and psi star is their conjugate, a complex wave functions. Third point, the derivative of the wave function should be continuous everywhere and finite everywhere. These are the property of wave functions. Here wave functions actually showing the particle showing their nature of in wave form. Then electron, here is the single slit or double slit, we saw that there is the particle electron showing their diffraction pattern and interference. Then